नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका तुला राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। तो देखिए, 16 दिसंबर 2021 की सुबह 3:30 पर सूर्यदेव वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं और यहां पर 14 जनवरी 2022 तक यानी एक माह तक गोचर में रहने वाले हैं। तो इसका सभी राशि वाले जातकों के ऊपर अलग अलग प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। इसका तुला राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आपकी चंद्र राशि के ऊपर यह फलादेश आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। तो देखिए, सूर्य को वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का राजा सात्विक ग्रह, अग्नि तत्व प्रधान ग्रह और क्षत्रिय ग्रह भी माना जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक ग्रह माना जाता है। इसके साथ साथ सूर्यदेव को स्वास्थ्य, शक्ति, सत्ता, सुख, हड्डी, आजीविका का, गवर्नमेंट जॉब का, सरकारी और राजनीतिक जीवन का कारक ग्रह माना जाता है। यानी यहां पर सूर्यदेव का आधिपत्य होता है, प्रभाव होता है अपनी कारक चीजों पर। सूर्य जब किसी व्यक्ति का जन्म कुंडली विश्लेषण किया जाता है तो सूर्य का महत्व क्या होता है, तो देखिए, किसी व्यक्ति का आत्मबल देखना हो कुंडली पर, निर्णय लेने की क्षमता, सम्मान प्राप्त होगी या नहीं होगी, सरकारी क्षेत्र में जातक को सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, पिता के साथ संबंध बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा, इत्यादि चीजों को सूर्यदेव की स्थिति देखकर ही जाना जाता है। यदि सूर्य बलि हैं तो जातक के अंदर उत्साह, सम्मान की प्राप्ति, तेज आकर्षण क्षमता होती है। ऐसा जातक शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित करता है, वहीं कम प्रयास में सरकारी क्षेत्र में भी सफलता अर्जित करता है। सूर्य बलि हो तो जीवन में हर क्षेत्र में उन्नति देखने के लिए मिलती है। सूर्य देव को क्षत्रिय वर्ण, लाल रंग और पूर्व दिशा का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा, मंगल, गुरु सूर्य के मित्र ग्रह, जबकि शनि, राहु, केतु सूर्य के शत्रु ग्रह माने जाते हैं। यह मेष राशि में उच्च के और तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। सूर्य यदि जन्म कुंडली पर पीड़ित हो तो छाती का रोग, चर्म रोग, आंखों से संबंधित समस्या, हड्डियों का टूटना, पीलिया, भूख न लगना, सरकारी क्षेत्र में अधिक मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम कम मिलता है, यह सब सूर्य के पीड़ित होने का परिणाम होता है। सूर्य पीड़ित हो तो पिता के साथ संबंध भी खराब रहते हैं। तो भाई, हम आपको बताते हैं तुला राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो तुला राशि वाले जातकों की चंद्र राशि के ऊपर यह फलादेश आधारित रहेगा, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। सूर्यदेव आपके राशि के एकादश भाव के स्वामी होते हैं, यानी लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं, जिनका गोचर 16 दिसंबर को आपके राशि के पराक्रम भाव यानी तीसरे भाव में होने जा रहा है। राशि के पराक्रम भाव से व्यक्ति के छोटे भाई बहनों का साहस, पराक्रम का विचार किया जाता है। इस भाव में सूर्य का गोचर होने से तुला राशि वाले जातकों को शुभ परिणाम जीवन में देखने के लिए जरूर मिलेगा। पराक्रम भाव में मौजूद होकर सूर्यदेव सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो धार्मिक क्रियाकलापों में तुला राशि वाले जातकों की संलग्नता देखने के लिए मिलेगी। शत्रुओं को आप अपने साहस के द्वारा पराजित कर लेंगे। आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और ज्ञान में, मनोबल में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी, जिससे जीवन में
करियर के क्षेत्र में नई संभावनाओं का निर्माण होता हुआ नजर आएगा। सरकारी नौकरी में पदोन्नति देखने के लिए मिल सकती है। तुला राशि वाले जातक अपने जीवन में यदि पूर्व के समय से सेहत से जुड़ी हुई समस्याओं से परेशान थे तो स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय अवधि में भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर रहेंगे और लाभ भी देखने के लिए जरूर मिलेगा। व्यापारी जातकों के लिए धन आगमन भरी स्थितियां देखने के लिए मिलेगी और सूर्य का यह परिवर्तन धन से जुड़ा हुआ संकट तुला राशि वाले जातकों के जीवन का समाप्त करता हुआ नजर आएगा। तो ये तो रहा सूर्यदेव के राशि परिवर्तन का प्रभाव। अब यदि जन्म कुंडली पर सूर्य पीड़ित हो तो हमने पूर्व में जो आपको कुछ लक्षण बताए हैं यह दिखाई देता है, तो कुछ धार्मिक उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए, रविवार के दिन जरूरतमंदों को गेहूं, गुड़, तांबा, खांड का दान करना चाहिए, यानी सूर्य देव से जुड़ी हुई चीजों का दान कर सकते हैं, जिसमें से किसी एक वस्तु का दान कर सकते हैं, जैसे गेहूं का दान कर सकते हैं, तांबे का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं। सूर्य को बलि बनाए रखने के लिए सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्घ देना और ओम घृणी सूर्याय नमः नामक मंत्र का जप करना, या तो ओम सूर्याय नमः नामक मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप जरूर करना चाहिए। इससे व्यक्ति की आत्मविश्वास साहस में वृद्धि होती है और सूर्य देव से जुड़ा हुआ पीड़ित प्रभाव जीवन से समाप्त होता है। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।